जमीन खरीदने से पहले क्या स्टेप्स होने चाहिए और प्रॉपर्टी की परचेस में कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहिए, इस वीडियो में जमीन खरीदने से पहले के स्टेप्स की प्रोसेस की आउटलाइन तैयार की गई है। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप कभी भी गलत प्रॉपर्टी डीलर के जाल में नहीं फंसेंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रॉपर्टी खरीदना आपके लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। आप सभी अपने सेविंग्स, भारी कर्जे और बड़े एम्बिशन के साथ एक प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला करते हैं, इसलिए इससे सावधान रहना जरूरी है ताकि कोई भी आपकी मेहनत की कमाई को आसानी से ना चुरा सके। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग में आपकी लापरवाही आपके जीवन भर की सेविंग्स को एक मिनट में उड़ा सकती है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो, इसलिए यहां हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि घर खरीदने से पहले इन बातों को याद रखें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कई बार लोग डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को कम पैसों पर बेचने की कोशिश करते हैं। यह चीज शुरुआत में अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन एंड में एक बड़ा सिरदर्द साबित होता है। इसके अलावा कभी भी ऐसे डीलर से कॉन्टेक्ट ना करें जो चाहता है कि आप टैक्स बचाने के लिए ब्रोकरेज को पैसा दे। इससे फ्यूचर में कई तरह की परेशानियां हो सकती है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं, क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए एक नया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बनता है आपका सेल डीड, उसके बाद आपके पास आते हैं रिसिप्ट्स ऑफ टैक्सेस, बिल्स पेड, देन पावर ऑफ अटर्नी, देन वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सेलर, देन लैंड यूज परमिशन, नेक्स्ट स्टेटस ऑफ टैक्स पेमेंट एंड देन कन्वर्जेशन सर्टिफिकेट। अब यहां पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेल डीड की। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर्टी के ओनरशिप को वेरीफाई करता है और यह भी प्रूफ है कि प्रॉपर्टी पुराने ओनर से ट्रांसफर कर दी गई है। सेल डीड को लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में एस पर रूल स्टैंप लगाकर रजिस्टर किया जाना चाहिए। चेक करें कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका टाइटल डीड क्लियर हो गया है। इसका मतलब है कि उस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आपको यह भी कंफर्म करना चाहिए कि टाइटल डीड आपको प्रॉपर्टी बेचने वाली पर्सन के नाम पर है। सबसे अच्छा तरीका है कि सेल डीड और अदर डॉक्यूमेंट्स को एक वकील द्वारा वेरीफाई किया जाए। इससे ये इंश्योर करने में हेल्प मिलेगी कि डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट हैं और कोई गैप्स नहीं है। दूसरा बात करेंगे हम लोन सर्टिफिकेट की। ये सर्टिफिकेट इंश्योर करता है कि कंसर्न प्रॉपर्टी पर कोई लोन या अदर लायबिलिटीज नहीं है, मतलब जमीन खरीदते समय वह हर तरह से कर्ज या देनदारी से मुक्त होना चाहिए। सब रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा जारी किया गया यह सर्टिफिकेट बताता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह का लेन देन किया गया है और प्रेजेंट में इसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। दूसरे शब्दों में ये सर्टिफिकेट किसी मॉर्टगेज, टाइटल ट्रांसफर या कानूनी रूप से लेन देन का प्रूफ है, ताकि प्रॉपर्टीज में डाउट्स ना आए। तीसरा बात करेंगे पावर ऑफ अटर्नी की। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी की देखभाल करने या प्रॉपर्टी बेचने का ऑथराइजेशन देता है। हालांकि इस डॉक्यूमेंट को भी रजिस्टर करने की आवश्यकता है, नहीं तो वही प्रॉपर्टी कई लोगों को बेची जा सकती है और इससे सरकार के रेवेन्यू का भारी नुकसान होता है और मुकदमेबाजी से अधिक मामलों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे कि टैक्स एंड बिल रिलेटेड सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने वाली व्यक्ति को ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी रिमेनिंग पैसों का पेमेंट कर दिया गया है और इसके लिए टैक्स रिसिप्ट या बिल होना चाहिए। प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति को असली में सभी ओरिजिनल रिसिप्ट्स मांगे और कभी भी फोटोकॉपी रिसिप्ट्स पर भरोसा ना करें। नेक्स्ट है वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सेलर, मतलब सेलर के डॉक्यूमेंट्स की जांच करें और पहचान की कंफर्म करें या कंफर्म करने के लिए कि सेलर के पास वैलिड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है और भारत सरकार द्वारा सही पहचान है उसका। आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट, आईटीआर, ये सब चीज़ें भी देखें। सेलर के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेलर की नेशनैलिटी का रिकॉर्ड होना चाहिए। चेक करें कि जो सेलर है एक कंपनी, ट्रस्ट या पार्टनरशिप फर्म है या नहीं। प्रॉपर्टी बेचने वाले पर्सन से असली में सभी ओरिजिनल रिसिप्ट्स मांगे और कभी भी फोटोकॉपी रिसिप्ट्स पर भरोसा ना करें। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि चेक द स्टेटस ऑफ लैंड यूज परमिशन।
तो चेक करें, बायर्स को चेक करनी चाहिए और सेटिस्फाई होना चाहिए कि प्रॉपर्टी जोनिंग प्लान के अनुसार डेवलप की गई है। जैसे रेसिडेंशियल होते हैं, कमर्शियल होते हैं, देन इंडस्ट्रियल होते हैं, देन पब्लिक, सेमी पब्लिक, पार्क्स एंड ओपन स्पेसेस एटसेट्रा, ये सब चीजें आपकी होती है कि कौन से जोन में बनने वाला है। देन जो प्रॉपर्टीज होती है रेरा के अकॉर्डिंगली, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली, वहां पे वो रजिस्टर होना चाहिए। रेरा में हर स्टेट के लिए रेरा की ऑफिशियल वेब पोर्टल पर इन्फो अवेलेबल है। डेवलपर के खिलाफ किसी भी मामले या शिकायतों को भी शो करता है आपके उसी वेब पोर्टल में। अब जितने भी स्टेट डेवलपर होते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, कॉलोनाइजर्स होते हैं, वो प्रॉपर्टी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड की गई है और रियल इस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, ठेकेदार, जितने भी रियल इस्टेट ब्रोकर्स को भी रेरा के साथ रजिस्टर होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को प्रॉपर्टी के लिए उसका रेरा का रजिस्ट्रेशन मांगने के बाद ही आप उनके साथ उन आगे फर्दर प्रोसेस करिएगा। देन फिजिकल सर्वे जो होता है उसके प्रॉपर्टी का, मतलब जमीन खरीदने से पहले जाकर जमीन को चेक करें, आसपास अवेलेबल लैंड सर्वेयर्स की मदद से मेजर कर लें कि जमीन की सही मेजरमेंट की कंफर्मेशन के लिए हो सकता है कि वो आपसे 2-5 हजार रुपए ले सकते हैं, बट आप पूरे जमीन का प्रॉपरली मेजरमेंट करके देख पाएंगे खुद जाके। अब यहां पे मैं कुछ लैंड बायर्स के लिए कुछ वार्निंग टिप्स देने वाला हूं कि ये काम आप लोगों को नहीं करना है। अपना खुद से रिसर्च किए बिना कभी भी कोई भी ब्लैंक पेपर पर साइन करने के लिए सहमत ना हो, जब तक कि अगर कोई एजेंट या डेवलपर आपको जानता है तो उनकी रेरा आईडी और सही रजिस्ट्रेशन आईडी को चेक करें। टैक्स रिलैक्सेशन के एवज में कभी भी ब्लैक मनी ऑफर ना करें, किसी और के नाम से प्रॉपर्टी ना खरीदें। अगर डिस्प्यूटेड लैंड है अगर, तो अच्छे से चेक कर लें कि फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो जमीन खरीदने से पहले इन छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखें। जैसे कुछ मैं इसमें आपको टिप्स बताने वाला हूं कि प्लॉट खरीदने से पहले यह भी देख ले कि वहां निचले हिस्से में तो नहीं है, अगर ऐसा है तो बारिश के दिनों में आपको परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी की चारों ओर नाला, शमशान, कब्रिस्तान आदि नहीं होना चाहिए। प्लॉट के पास किसी तरह का कोई खंडर या पुराना कुआं नहीं होना चाहिए। प्लॉट खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि घर का मेन डोर नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में हो, जहां तक पॉसिबल हो साउथ फेसिंग प्लॉट लेने से बचे। प्लॉट के सामने बगीचा या खुली जगह हो तो बेहतर है। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले ये सब चीजों को ध्यान में रखें ताकि आगे जाकर आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपके ब्लॉग का लिंक दिया है, अगर आप इसको और अच्छे से जानना चाहें तो नीचे ब्लॉग में भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं इंजीनियर्स आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सके। मिलते हैं इंजीनियर्स आप लोगों से अगले वीडियो में। बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ।